हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 ड्रामा टाइप्स, और ये हमारे जो बीए के सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनके लिए हमारी ये स्पेशल वीडियो है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 ड्रामा टाइप्स। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आपको देखना ये है कि ड्रामा हमारा क्या होता है। सो गाइस, जो ये ड्रामा है इसे हम प्ले के नाम से भी जानते हैं, मतलब अगर आप ड्रामा बोलोगे या प्ले बोलोगे हमारी वो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो हमारा जो ड्रामा है वो क्या होता है, वो आपका रेडियो के लिए होता है, हमारा ड्रामा टेलीविज़न के लिए होता है। मतलब कि ड्रामा हमारे एक रिटर्न फॉर्म में एक ऐसी वर्क होती है जिसे हम एक्शन करते हैं, दिखाते हैं कहाँ पर, स्टेज पर, है ना। मतलब जो हमारा प्ले है, जैसे कि हमारे टीवी सीरियल है, ये आपके क्या है, एक हमारा ये ड्रामा है, ठीक है। तो हमारा जो ये ड्रामा है वो क्या है, किसके लिए होता है, रेडियो के लिए होता है, हमारे टेलीविज़न के लिए होता है। तो ड्रामा इज़ रिटर्न वर्क दैट टेल ए स्टोरी थ्रू एक्शन एंड स्पीच एंड इज़ मीन टू बी एक्ट ऑन अ स्टेज। तो ड्रामा हमारा लिखा हुआ एक ऐसी स्टोरी होती है, ऐसा वर्क होता है जहाँ पर हम मतलब उसे एक्शन करके दिखाते हैं, कहाँ, स्टेज पे, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा, एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो ये हमारे ड्रामा है ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे ड्रामा है ये होते हैं आपके पूरे 9 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं हमारे, टोटल 9 टाइप्स के। कौन कौन से, सबसे पहला हमारा ट्रेजेडी होता है, कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी, एक्सप्रेलिस्ट ड्रामा, ड्रामा ऑफ आइडिया है हमारा, पॉइंटिक ड्रामा, क्लोजेस्ट ड्रामा, द प्रॉब्लम प्ले, और लास्ट होता है हमारा थ्रीजर ऑफ अप्सर। तो हम 1 बाय 1 इनके बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जो हमारे ट्रेजेडी है ये क्या होता है। तो देखिए गाइस, जो हमारे ट्रेजेडी है इसका हिंदी में मीनिंग होता है दुखद नाटक। क्या होता है हमारा, दुखद नाटक। अब आप नाम से ही समझ जाओ गाइस, क्योंकि देखो आप ना पहले समझने की कोशिश करो गाइस, अगर आप रटोगे तो आप भूल जाओगे। तो ट्रेजेडी का मतलब हमारा क्या होता है, दुखद ड्रामा। मतलब इसके अंदर किसकी बात हो रही है, जहाँ पर भी दुख की बात हो रही है इसके अंदर। तो देखिए हम समझते हैं कि ये हमारा क्या है। देखिए गाइस, ट्रेजेडी हमारा जो वर्ड डेराइव हुआ है वो ग्रीक वर्ड से हुआ है ट्रागोडिया, ठीक है, जिसका मतलब हमारा होता है गोट सॉन्ग। इट सीम डैट इज़ रिलेटेड टू सेक्रीफाइस ऑफ द गोट। अब आप यहाँ पे ये समझोगे कि ये जो हम इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं और यहाँ सेक्रीफाइस ऑफ द गोट वर्ड का मतलब क्या है। तो अभी हमने बात की कि हमारा जो ये ट्रेजेडी वर्ड है इसका मतलब होता है हमारा दुखद नाटक, और सेक्रीफाइस ऑफ द गोट हमारा किस मतलब, जिसे हम बोलते हैं ना कि बकरे की बलि चढ़ा दिए बलिदान, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है गाइस, दुख की बात हो रही है। तो अगर हम जनरल मीनिंग की बात करें, ट्रेजेडी का मतलब होता है हमारा मिसफॉर्च्यून, मतलब कि दुर्भाग्य। तो ट्रेजेडी हमारा एक सैड इवेंट होता है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर किसकी बात हो रही है गाइस, किसी के बीमार होने की बात हो रही है या किसी के मरने की, ठीक है। तो ट्रेजेडी हमारा क्या है, एक सैड इवेंट है, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर किसकी बात हो रही है गाइस, डेथ की बात होती है और सफरिंग की। अगर आपको ये वाली डेफिनेशन समझ में नहीं आती है तो गाइस आप ये वाली डेफिनेशन देख लो। ट्रेजेडी हमारा एक जीन्स है ड्रामा का, जो किस पर बेस होता है, ह्यूमन सफरिंग। मतलब कि अगर कोई इंसान बीमार होता है, कोई दुख की बात होती है किसके अंदर, ड्रामा के अंदर, किसके लिए, मेन कैरेक्टर के लिए। जैसे होता है ना कि मेन कैरेक्टर बीमार हो रहा है, मेन कैरेक्टर की डेथ हो गई है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पर ट्रेजेडी है, ठीक है। तो आपके अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो कि ये जो वर्ड ये डेराइव हुआ है हमारा ग्रीक वर्ड ट्रागोडिया से, जिसका हमारा मतलब होता है गोट सॉन्ग, और रिलेटेड किससे होता है, ये सेक्रीफाइस ऑफ द गोट, और इसका जो जनरल मीनिंग है वो होता है आपका गाइस मिसफॉर्च्यून, मतलब कि दुर्भाग्य, है ना। और ये क्या है हमारा, सैड इवेंट होता है, कैसी सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई बीमार हो जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है गाइस। तो अब हम बात करने वाली है कि इसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके आपके फीचर होते हैं, ट्रेजिक हीरो होते हैं हमारा, और सेटिंग होती है, मोरल मैसेज होता है, और हमारा विलन भी होता है, ठीक है। उसके बाद इसके एलिमेंट्स, तो गाइस अगर हम इसके एलिमेंट्स की बात करें तो वो होते हैं आपके प्लॉट है, कैरेक्टर है, थॉट है, डिक्शन है, और हमारे सॉन्ग। अब हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ ट्रेजेडी, मतलब ये कितने तरह की होती है। सो गाइस, ये आपकी डोमेस्टिक ट्रेजेडी होती है, हीरोइक होती है, रोमांटिक होती है,
और आपका सोशल ट्रेजेडी, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको ये समझ आया होगा, एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें, ठीक है गाइस। तो देखिए, अब हम ना थोड़ा सा, जैसे अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया टाइप, तो हम समझ लेते हैं कि ये जो टाइप्स है, जैसे डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब होता है जहाँ पर किसकी बात हो रही है गाइस, साधारण चीज़ों की बात होती है, जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं, है ना, आपने सुना होगा। तो डोमेस्टिक ट्रेजेडी हमारी वो होती है जो हमारे ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो स्ट्रगल, जैसे कि हम हैं, हम नॉर्मल जो पीपल हैं, हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, स्ट्रगल फेस करती है, तो वो किसके अंदर आती है, डोमेस्टिक ट्रेजेडी के अंदर आती है। उसके बाद है आपका हीरोइक ट्रेजेडी, तो हीरोइक ट्रेजेडी के अंदर क्या होगा आपका, जैसे कि हीरो की डेथ हो जाती है उस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से सोशल के अंदर क्या होगा, सोशल इशूज हो गए हमारे, वो डिस्कस होंगे सोशल ट्रेजेडी के अंदर। सो गाइस मैं आपको बता दूँ, ये जो टाइप्स है ना गाइस, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ व्हाट इज ट्रेजेडी वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और अगर टाइप आते भी है तो आप ये नाम लिख देना और आप थोड़ा सा गूगल से सर्च करके इसके बारे में पढ़ लेना, वरना अगर कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है हमारा क्या गाइस, कॉमेडी। तो देखिए, कॉमेडी तो आप सबको पता होगा क्या है, कॉमेडी हमारा एक ऐसे जेंस होता है जो जिसका मेन गोल होता है ऑडियंस को लाफ करना, और इसकी जो एंडिंग होती है इसकी कैसी होती है गाइस, चीयरफुल एंडिंग होती है। जैसे कि हम भी अपने मोबाइल में क्या, हम भी सब रील्स देखते रहते हैं हम कॉमेडी वाली, तो उनका मेन मोटिव क्या रहता है कि वो आपको हंसाए, और उसकी एंडिंग क्या होती है गाइस, हमारी चीयरफुल एंडिंग होती है ना, तो वही आपकी क्या है, कॉमेडी है, ठीक है। तो कॉमेडी के भी हमारे टाइप होती है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है आपका, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, सेंटिमेंटल कॉमेडी है, ठीक है गाइस। तो कॉमेडी के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, वो आप सबको भी पता होगा कि कॉमेडी क्या होती है। तो अब हम बात करने वाले हैं ट्रेजिक कॉमेडी। तो अब आप देखिए, जो ट्रेजिक कॉमेडी का मतलब क्या होता है, ट्रेजिक कॉमेडी का मतलब होता है हमारा सुख और दुखद नाटक, मतलब इसके अंदर हंसी भी होगी और दुख भी होगा, है ना, मतलब बहुत एलिमेंट। ट्रेजिक कॉमेडी इज अ प्ले विच है बोथ एलिमेंट ट्रेजिक एंड कॉमिक्स, मतलब ट्रेजिक कॉमेडी के अंदर दोनों तरीके के एलिमेंट मिलेंगे, मतलब उसके अंदर आपको खुशी भी मिलेगी, दुख भी मिलेगा, किसके अंदर, ट्रेजिक कॉमेडी, ठीक है। देखिए गाइस, अपना नाम को पकड़ के याद कीजिए, ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजिक का मतलब हमारा क्या होता है, दुख, और कॉमेडी का मतलब हमारा क्या होता है, सुख, है ना, हंसना रोना। तो इस वाले कॉमेडी के अंदर आपको दोनों चीज़ें मिलेगी। तो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो होता है हमारा एक्सप्लेनिस्ट ड्रामा। तो अब आप ये देखिए, ये जो हमारा एक्सप्लेनिस्ट ड्रामा है इसका क्या मतलब है, और गाइस देखिए, जो हमारे एक्सप्लेनिस्ट, सबसे पहले ना आप एक वर्ड होता है हमारा एक्सप्लेनिज्म, आप उसके बारे में समझिए। तो एक्सप्लेनिज्म हमारा एक मोमेंट था, किस चीज़ का मोमेंट, ड्राइंग का मोमेंट। उसके अंदर क्या था कि पेंटर अपनी ड्राइंग्स के बारे में बताने वाले थे, वो अपने ड्राइंग्स जो बनाते थे उसके बारे में वो एक्सप्लेन करते थे हमें सब कुछ। तो एक्सप्लेनिज्म वो होता है, और इसी से ही आपका ये एक्सप्लेनिस्ट ड्रामा भी आया है। तो समझिए आप कि आपका क्या होता है, ये हमारा एक ऐसा स्टाइल है लिटरेचर का जिसके अंदर यूज़ किया जाता है सिंबल का और एक्सिग्रेशन का टू रिप्रेजेंट इमोशनल रेदर देन रिप्रेजेंटिंग फिजिकल रियलिटी। तो देखिए गाइस, अब आप ये समझेंगे कि जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस सिंबल, तो ये थोड़ा सा हमारा कंफ्यूजिंग है कि हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की और यहाँ पर सिंबल का नाम क्यों आया। तो देखिए गाइस, हमारा जो ये एक्सप्लेनिस्ट ड्रामा है, ये हमारा लिटरेचर का एक ऐसा वर्क है जो सिंबल्स का यूज़ करता है, एक्सिग्रेशन का यूज़ करता है किसी भी इमोशनल को रिप्रेजेंट करने के लिए, रेदर देन रिप्रेजेंटिंग फिजिकल रियलिटी। मतलब ये क्या करता है, बड़ा चढ़ाकर चीज़ों को बताता है, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना गाइस, एक्सिग्रेशन, इसका मतलब होता है हमारा हाइपरबोला भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये लिटरेचर का ऐसा वर्क होता है जो सिंबल्स का यूज़ करता है, अलग अलग तरीकों का यूज़ करता है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी रियलिटी से हटा के, है ना। तो जैसे हम ड्राइंग में करते हैं ना गाइस, ड्राइंग्स में क्या करते हैं, हम कलर करते हैं, उसे थोड़ा सा अलग दिखाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो ये एक्सप्लेनिस्ट ड्रामा है, ये हमारा एक ऐसा स्टाइल है लिटरेचर का जो सिंबल्स का यूज़ करता है, एक्सिग्रेशन का यूज़ करता है, मतलब कि किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर रिप्रेजेंट करता है, और वो ऐसा रियलिटी में नहीं होता। देखिए गाइस, जैसे कि हम कार्टून वगैरह देखते हैं, हम टीवी सीरियल देखते हैं, तो उस पर भी क्या होता है आपका,
चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि ऐसा रियलिटी में नहीं होता। तो आप इस तरीके से, इस एग्जांपल से आप ये याद रख सकते हैं। तो जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है हमारा ड्रामा ऑफ आइडिया। तो देखिएगा ये ड्रामा ऑफ आइडिया हमारा क्या होता है, ये हमारा डिस्कस करता है इम्पोर्टेंट सोशल प्रॉब्लम। ड्रामा ऑफ आइडिया मतलब कि हम इसके अंदर क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं जो भी हमारी सोशल प्रॉब्लम्स होती है, सामाजिक जो प्रॉब्लम होती है उन्हें हम क्या करते हैं गाइस, डिस्कस करते हैं। और इसके अंदर हमारे इमोशनल नहीं होते हैं, एक्शन भी नहीं होते हैं। एक्शन क्यों नहीं होते, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गाइस क्या होता है, डिस्कशन होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देयर इज़ लेक ऑफ एक्शन, इसका मतलब ये है कि ड्रामा ऑफ आइडिया के अंदर हम परफॉर्मेंस कम करते हैं, हम बातचीत ज़्यादा करते हैं, है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, हम कोई भी सोशल प्रॉब्लम उठाते हैं और उसके बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं। और इसका जो मेन मोटिव होता है ड्रामा ऑफ आइडिया का, वो होता है एजुकेशन देना। ठीक है, क्या होता है मेन मोटिव, एजुकेशन देना। इसमें जो हमारे कैरेक्टर है वो फ्लैट होते हैं, राउंड कैरेक्टर नहीं होते। ठीक है गाइस, तो अब जो हम नेक्स्ट हमारा जो डिवाइस है, जो हमारा ड्रामा टाइप है, वो हमारा क्या है, पॉइंटिंग ड्रामा। तो देखिए गाइस, पॉइंटिंग ड्रामा जैसे हमने अभी पढ़ा था ट्रेजिक कॉमेडी, उसके अंदर हमारा क्या था, ट्रेजिक कॉमेडी मतलब दुखद और सुखद नाटक। तो इसके अंदर हमारा क्या है, पॉइंटिंग ड्रामा, मतलब इसके अंदर भी आपको बहुत क्वालिटी मिलेगी, पोइट्री की भी क्वालिटी मिलेगी और आपको ड्रामा की भी क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, तो जो हमारा ये पॉइंटिंग ड्रामा है, पॉइंटिंग ड्रामा कंबाइन बोथ द क्वालिटी ऑफ पोइट्री एंड ड्रामा, इसके अंदर आपको दोनों क्वालिटीज़ मिलेगी, पोइट्री की भी और गाइस ड्रामा की भी। ठीक है, और इसमें जो हमारा वर्ड्स फॉर्म होता है वो ब्लैंक होता है और हमारा फ्री वर्ड्स होता है, किसके अंदर, पॉइंटिंग ड्रामा के अंदर। और पॉइंटिंग ड्रामा में हमारा क्या होता है, जो भी हमारे एक्टर्स हैं वो कम्फर्टेबल फील करते हैं जब भी वो इनके डायलॉग्स को याद करते हैं। ठीक है गाइस, आप इतना याद रखिए कि पॉइंटिंग ड्रामा के अंदर हमारी कंबाइंड क्वालिटी पाई जाती है, किस चीज़ की, पोइट्री की भी और हमारा ड्रामा की भी। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, जो हमारा है क्लोसेट ड्रामा। तो देखिए गाइस, क्लोसेट ड्रामा हमारा क्या होता है, ये हमारा एक ऐसा प्ले होता है, प्ले दैट आर रिटन फॉर रीडिंग एंड नॉट फॉर परफॉर्मिंग आर नोन एज क्लोसेट ड्रामा। मतलब कि जो हमारा ये प्ले होता है वो हमारा किसके लिखा जाता है, किसके लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, जो हमारा ये क्लोसेट ड्रामा है वो ऐसा प्ले होता है जो हमारा किसके लिए लिखा जाता है, सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा जाता है, स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा जाता। और ये जो राइटर है, कौन लिखते हैं, मतलब ये जो फेमस राइटर की अगर हम बात करें तो ये हमारे है रॉबर्ट ब्राउनिंग। और ये जो हमारा प्ले है, ये जो आर्ट स्टाइल है, वो कब हमारा पॉपुलर हुआ था, रोमांटिक ईरा के अंदर ये हमारा पॉपुलर हुआ था। और गाइस हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि ये डेफिनेशन ज़्यादा छोटी है, सो गाइस ये छोटी नहीं है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में ये वेरी शॉर्ट में आते हैं आपके, है ना। आप सबको पता होगा, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको पता होगा कि हमारा वेरी शॉर्ट के अंदर आता है। अगर वेरी शॉर्ट के अंदर इतना भी लिखोगे लेकिन कुछ अच्छा लिखना, तो आपको नंबर पक्का मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम प्ले। आई होप गाइस कि अब तक मैंने आपको जितना पढ़ाया आपको समझ आया होगा, एंड अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वीडियो यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के भाई भी शेयर करना ना भूलें। तो देखिए गाइस, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, द प्रॉब्लम प्ले की। तो प्रॉब्लम प्ले हमारा किस चीज़ से, किससे डेवलप हुआ है, हमारा ड्रामा ऑफ आइडिया से डेवलप हुआ है। तो वो देखिए कैसे, जैसे कि ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के अंदर हम किसकी बात करते हैं गाइस, हम बात करते हैं सोशल प्रॉब्लम की बात करते हैं हम, है ना। अभी हमने जैसे आपको बताया कि इसके अंदर हम सोशल प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो जो हमारा प्रॉब्लम प्ले है, द प्रॉब्लम प्ले, ये भी इसका भी जो डेवलपमेंट हुआ है वो किससे हुआ है, ड्रामा ऑफ आइडिया से इसका डेवलपमेंट हुआ है। और ये भी हमेशा किस चीज़ को सेंटर करता है, किस चीज़ पे फोकस करता है, ये करता है सोशल प्रॉब्लम पे ही फोकस करता है द प्रॉब्लम प्ले भी। ठीक है, और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ट्रेजिक टोन मिलेगी। ट्रेजिक टोन का मतलब होता है इसमें आपको कुछ दुखद, मतलब कि कुछ दुखी वाली टोन भी मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये जो हमारी ह्यूमन प्रॉब्लम्स होती है उन पे ज़्यादा फोकस करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, नेचुरली डील विद पेनफुल ह्यूमन प्रॉब्लम्स के अंदर ये क्या करता है, डील करता है। ठीक है गाइस, तो जो हमारा ये प्रॉब्लम प्ले है ये भी आपका किससे डेवलप हुआ है, ड्रामा ऑफ आइडिया से डेवलप हुआ है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है ना आपका डाइल मियास, इसका मतलब होता है हमारा गाइस द्विधाए। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ना ह्यूमन डाइलमियास, इसका मतलब होता है आपका कि जो मानव दुविधाएं है ये उस पर फोकस करता है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं जो हमारा लास्ट है वो है आपका थिएटर ऑफ एब्सर्ड।
थिएटर ऑफ एब्सर्ड। तो देखिए गाइस, थिएटर हमारा क्या होता है, जहाँ पर भी हमारी मूवी होती है, ये प्ले होती है ना, ये सब आपको पता होगा कि जो हमारा थिएटर होता है वो क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर भी हमारी प्ले ड्रामेटिकल परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि जो हमारा अपसर्ड वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है गाइस हमारा मीनिंगलेस, इलॉजिकल, मतलब जिसका कुछ मीनिंग ना हो। अब देखिए इसकी इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, जो हमारा ये लास्ट है हमारा ड्रामा टाइप थिएटर ऑफ अपसर्ड, तो इसका जो डेवलपमेंट हुआ गाइस, जब हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ 1939 टू 1945, तो उसके बाद क्या था, सब चीज़ मीनिंगलेस हो गई थी, क्योंकि इस टाइम पे हमारा ये ग्लोबल वर्ल्ड वार हुआ था बहुत बड़ा, जिसमें हमारे काफ़ी 40-50 मिलियंस जो इंसान थे वो नहीं रहे थे, है ना। तो मतलब चारों तरफ क्या था, सब कुछ मीनिंगलेस हो गया था। तो उसके बाद आपका जो ये थिएटर ऑफ अपसर्ड चलाया गया था, इसके अंदर क्या है, ये जो हमारा वर्ड है अपसर्ड, इसका मतलब होता है हमारा लाइफ इज़ मीनिंगलेस, मतलब कि लाइफ का की कोई भी मीनिंगलेस, जिसका कुछ भी मीनिंग ना हो। तो इसके अंदर क्या है, इस प्ले के अंदर ना तो कोई प्रॉपर एंडिंग थी, ना स्टार्टिंग थी, और ना कोई मिडिल थी। इस प्ले का ना कोई लॉजिक था, और इसमें जो डायलॉग्स यूज़ होते थे वो कौन से थे, डायलॉग सेटिंग सब कुछ क्या था, मीनिंगलेस था। क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट हुआ था, ये आपका जो प्ले आया था, ये आया था गाइस आपका वर्ल्ड वॉर के बाद, और वर्ल्ड वॉर के बाद सब कुछ क्या था, मीनिंगलेस हो गया था हमारा, क्योंकि आप सबको पता है वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो सब कुछ सबके लिए मीनिंगलेस था। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो प्ले है ये चला गया, और इस प्ले के अंदर आपका डायलॉग्स भी मीनिंगलेस यूज़ किए गए, सेटिंग भी मीनिंगलेस, कैरेक्टर भी मीनिंगलेस, जिसका कोई भी लॉजिक ना हो। ठीक है गाइस, सो गाइस ये था हमारी छोटी सी वीडियो, हमने वैसे कोशिश की कि हम कम टाइम में आपको अच्छे से पढ़ाए। आई होप गाइस कि आपको पूरा समझ आया होगा। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।